हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल से जीपीएससी पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले अप्रैल माह के करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। लास्ट वीडियो जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो वीडियो सीरीज स्टार्ट हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस साल जो है आपके छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो नोट्स है आपको एक बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन जो कंप्लीट लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है उसे देखते हुए इस साल भी आपको जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में ही अवेलेबल होगा। जो आपको नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 10 से 12 मई के आसपास आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अभी उस पर थोड़ा सा बहुत काम बाकी है। इससे रिलेटेड जो भी आपके आगे के इन्फॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 10 से 12 मई के आसपास तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इस डेट तक आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पर देखेंगे आपके दीपक तिवारी विराट। दीपक तिवारी विराट जो कि हमारे प्रदेश के एक प्रसिद्ध रंगकर्मी या कलाकार थे। ठीक, देखिए ये जो है आपके दीपक तिवारी विराट, ये राजनांदगांव जिले से संबंधित है। ये प्रसिद्ध थे, ये फेमस क्यों थे समझिएगा, हबीब तनवीर के रंगमंच नया थिएटर के ये प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, हबीब तनवीर जिनसे आप सभी परिचित होंगे, जिनका रंगमंच था आपका नया थिएटर में ये वर्ष 1980-90 के दशक में शामिल हुए तथा उनके नाटकों में ये प्रसिद्ध रंगकर्मी थे, यानी कि कलाकार थे। ये फेमस हुए अपने एक रंगकर्म या एक नाटक में प्रमुख किरदार के लिए फेमस हुए, जिसका नाम था आपका चरणदास चोर। चरणदास चोर की भूमिका के लिए आपके प्रसिद्ध हुए तथा इस चरणदास चोर नाटक का मंचन जो है भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी इस चरणदास चोर की नाटक की प्रस्तुति इन्होंने दी थी। ठीक है, तो चरणदास चोर की भूमिका या आपके प्रमुख कलाकार थे आपके दीपक तिवारी विराट। इन्होंने आपके हबीब तनवीर के रंगमंच नया थिएटर में अन्य नाटकों में भी अपनी प्रस्तुति दी। कौन कौन से थे, एक था चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार, लाल सोहरत राय, कामदेव का अपना बसंत, ऋतु का सपना, देख रहे हैं नैन, लाहौर नहीं देखा और हिरमा की कहानी। ये प्रमुख नाटक थे जिनमें इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। ठीक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हें भारत सरकार के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी 2017 से सम्मानित किया गया। वैसे तो उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में दिया गया, लेकिन यह संगीत नाटक एकेडमी वर्ष 2017 का था जो उन्हें प्रदान किया गया वर्ष 2019 में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2019 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था आपके दीपक तिवारी विराट को, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में निधन हुआ है आपके दीपक तिवारी विराट का, जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है आपके धर्मपाल सैनी, बस्तर का ताऊजी कहा जाता है आपके धर्मपाल सैनी को। देखिए ये कहां से थे समझिएगा, ये थे आपके धार जिला मध्य प्रदेश। एक शॉर्ट में इनका जीवन परिचय देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार जिला संबंधित थे आपके धर्मपाल सैनी, जो कि वर्ष 1960 में हमारे इस प्रदेश के बस्तर वाले क्षेत्र में आए थे। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये शिष्य थे आपके विनोबा भावे। जब आप भारत का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे तब आपने वहां नाम पढ़ा होगा विनोबा भावे, जो कि भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वर्ष 1940। उन्हीं के शिष्य थे आपके धर्मपाल सैनी। उन्हीं से आगे लेकर के वर्ष 1960 के दशक में ये हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र में, हमारे इस बस्तर वाले क्षेत्र में इन्होंने मुख्य रूप से कार्य किया बालिका शिक्षा एवं बालिकाओं के विकास के क्षेत्र में। इनके समाज सेवा के क्षेत्र में धर्मपाल सैनी को वर्ष 1992 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है पद्मश्री। वर्ष 1992 में समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार 1992 से सम्मानित किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है तो समझिए। अभी इसी अप्रैल महीने में ही जो है हमारे प्रदेश के बीजापुर वाले क्षेत्र में एक नक्सलाइट हमला हुआ। ठीक है, तर्रेम घाटी वाले क्षेत्र में नक्सलाइट हमला हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के बहुत सारे जवान आपके शहीद हुए तथा एक जवान, कोबरा बटालियन के एक जवान को इस बीजापुर वाले क्षेत्र में ही आपका नक्सलियों के द्वारा कैद में कर लिया गया था, जिनका नाम था आपका राकेश्वर सिंह मनसाह। ठीक है, कुछ समय बाद जो है नक्सलियों ने इन्हें कैद से छोड़ने के लिए जो है एक पेशकश रखी, कोई डिमांड नहीं रखा, लेकिन ये जो कैद
कैद से जो रिहा करने के लिए मध्यस्थता के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक दल बनाया गया, उस दल में नक्सली और इस दल के मध्यस्थता में जो है इन्हें रिहा किया गया। तो जो सरकार के द्वारा जो दल बनाया गया था उस दल में शामिल थे आपके धर्मपाल सैनी। धर्मपाल सैनी की मध्यस्थता में ही आपके बीजापुर के कोबरा बटालियन के राकेश्वर सिंह मनसाहा को रिहा किया गया था। तो इसके कारण ये काफी फेमस है धर्मपाल सैनी। प्रश्न क्या पूछेगा, धर्मपाल सैनी को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष नवाजा गया? वर्ष 1992। इंपॉर्टेंट है, बस्तर के ताऊजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कल्याण सेन। कल्याण सेन जिन्हें कल्याण दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देखिए ये हमारे प्रदेश के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है, प्रदेश के ये प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये मुख्य रूप से आपके तबला वादक थे। देखिए कल्याण सेन जिनका हाल ही में निधन हुआ, लाइन से जो आपके तीन है तीनों का अभी आपके अप्रैल माह में निधन हुआ है, ये प्रदेश के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, मुख्य रूप से तबला वादक थे। इनके पिता थे आपके अरुण कुमार सेन जो कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, ठीक है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो कि हमारे प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है उसके पूर्व कुलपति थे आपके अरुण कुमार सेन। तथा इनके भाई है, छोटे भाई है आपके शंकर सेन जो कि पद्मश्री से सम्मानित और साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष भी है, ठीक है, शेखर सेन। देखिए अब कल्याण सेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्होंने संगीत दिया। देखिए जो आपके कल्याण सेन है, कल्याण सेन जो है बॉलीवुड के कुछ दिग्गज गायकों के गाने में अपना संगीत दिया, ये एक प्रकार से म्यूजिक कंपोजर थे, ठीक है, उनके गानों में संगीत दिया करते थे। तो किन किन आपके बॉलीवुड के गायकों के साथ उन्होंने काम किया, एक है मोहम्मद रफ़ी, अनूप जलोटा, अलका यागिनी, कुमार सानू, शान, अनुराधा पौडेल जैसे जो दिग्गज गायक है उनके साथ उन्होंने काम किया है, उनके गानों में अपना म्यूजिक यानी संगीत दिया है। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश का एक मूवी था भकला, मूवी का नाम है भकला, जिसमें छत्तीसगढ़ी गाना गाने के लिए लता मंगेशकर को इन्होंने मनाया था, उनके पास अप्रोच किया था। गाने के बोल कुछ इस प्रकार से थे, छूट जाही अंगना दुआरी, ठीक है, छूट जाही अंगना दुआरी, ये गाना गाया था आपके लता मंगेशकर ने, मूवी का नाम था भगला, और इनको गाना गाने के लिए मनाया था आपके कल्याण सेन या कल्याण गाने, ठीक है। ये जो आपके छूट जाही अंगना दुआरी, ये विवाह के पश्चात जो विदाई के समय, ये आपके जो विदाई के समय जो आपका जो परिस्थिति रहती है उस पर आधारित ये गाने के बोल है, ठीक है, छूट जाही अंगना दुआरी, गाया किसने है, लता मंगेशकर ने, और मूवी का नाम है भकला, इसमें भी संगीत दिया है आपके कल्याण सेन ने, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार इसे दिए जाने की घोषणा हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था आपके 8 मार्च को, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई थी, जबकि ये पुरस्कार प्रदान किया गया आपके 14 अप्रैल को, वर्चुअल तरीके से ये पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था 14 अप्रैल, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आपका जन्म दिवस है, ठीक है, अंबेडकर जी के जन्म दिवस में आपका इस छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार का जो वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया था। देखिए ये आपके छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार है क्या, ये छत्तीसगढ़ व देश के अन्य हिस्सों की महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु या उनके कार्यों को देखते हुए ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए छत्तीसगढ़ के किन किन महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया, ध्यान समझते हुए चलिएगा, नाम याद करते हुए चलिएगा। एक है तीजन बाई जिससे आप सभी परिचित है, यह आपके पद्मश्री से भी सम्मानित है, ये कला क्षेत्र से है जो कि एक पंडवानी गायिका है। दूसरे नंबर पर है आपके अमिता श्रीवास, इनसे भी आप परिचित है, लास्ट महीने के करंट अफेयर में हमने इन्हें कवर किया है, ठीक है, जो कि एक पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके बुधरी ताई जो कि समाज सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका केश कुंवर पनिका जो कि एक महिला उद्यमी है, ठीक है, महिला उद्यमी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी लक्ष्मी करियारे जो कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इन पांचों का नाम याद रखिएगा जो कि छत्तीसगढ़ से इस आपके छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित हुई, भारत से, ठीक है, यहां मेंशन किया गया छत्तीसगढ़ व भारत के अन्य हिस्सों की महिलाएं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रसिद्ध है, ठीक। तो भारत में जो है, भारत से आपका इस सम्मान से सम्मानित हुई
आपकी दूती चंद, दूती चंद जो कि खेल से संबंधित है, जो कि एक एथलीट्स है यानी कि आपके एक धावक है, ठीक है, दूती चंद। नेक्स्ट है आपके रेबेका मैमन जॉन, जो कि कानून क्षेत्र से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय की एक वरिष्ठ आपकी एक वकील है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके शुभा मुद्गल, शुभा मुद्गल जो है आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अमीरा शाह जो कि स्वास्थ्य एवं महिला उद्यमी है। नेक्स्ट है आपका यशिका दत्त जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। उसके बाद है आपका राणा सफवी जो कि इतिहास क्षेत्र से संबंधित है। इतना नाम याद नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट आप शुरू के दो का नाम याद रखिएगा, एक तीजन बाई और दूसरा अमिता श्रीवास, और इधर से याद रखिएगा आप दूती चंद को। प्रश्न पूछा गया तो इन्हीं सब में से ही पूछा जाएगा, दूती चंद जो कि खेल से संबंधित है, तीजन भाई जो कि कला क्षेत्र संबंधित है, अमिता श्रीवास लास्ट मंथ में भी जो है हमने इन अमिता श्रीवास का जो करंट अफेयर में देखा था, माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही है अमिता श्रीवास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हिरण अभ्यारण्य, हिरण अभ्यारण्य इसका प्रस्ताव हमारे प्रदेश के वन विभाग के द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। देखिए कहां पर है, सतपुड़िया पहाड़ी क्षेत्र फरसाबहार जशपुर, जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक के अंतर्गत एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है सतपुड़िया पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। इस क्षेत्र में जो है आपके हिरण की बहुलता है, ठीक है, हिरण बहुल क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र के वन विभाग यानी कि जशपुर वन विभाग के द्वारा, जशपुर के जो आपके वन क्षेत्र के द्वारा जो है एक रिपोर्ट बनाकर के भारत सरकार को भेजा गया है। अगर ये रिपोर्ट अगर पास हो जाता यानी कि भारत सरकार के द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो ये हमारे देश का तीसरा बड़ा हिरण अभयारण्य होगा, ठीक है, आपके आबादी के हिसाब से, हिरण बहुल क्षेत्र के हिसाब से ये देश का तीसरा बड़ा हिरण अभयारण्य होगा। अभी बना नहीं है, प्रस्ताव भेजा गया है भारत सरकार के पास, ठीक। देखिए विशेष में अगर हम देखें तो एक है आपके जो हिरण की आबादी के आधार पर सबसे बड़ा हिरण अभयारण्य है आपका केदारनाथ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है, दूसरे नंबर पर है महावीर सेंचुरी जो कि गोवा में है। अगर हमारे इस जसपुर वाले इस सतपुड़िया पहाड़ी क्षेत्र को अनुमति मिल जाती है तो यह तीसरा सबसे बड़ा, देश का तीसरा सबसे बड़ा हिरण अभयारण्य बनेगा। नेक्स्ट है आपके पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, ये जो आपके पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ये बेंगलोर के एक थिंक टैंक के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका जो आपके जो इंडेक्स है तैयार किया जाता है राज्यों की प्रशासनिक तंत्र यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आधार पर जो है ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। देखिए ये जो इंडेक्स है इसकी अलग अलग कैटेगरी है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और आपकी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में पहले नंबर पर है आपके प्रशासनिक तंत्र में, मतलब किस आपके राज्य का प्रशासनिक तंत्र सबसे बेहतर है अगर उसमें देखा जाए तो बड़े राज्यों में है आपका पहले नंबर पर है केरल, छोटे राज्यों में है गोवा, जबकि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में है आपका चंडीगढ़। इन बड़े राज्यों में ही हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपके फिफ्थ पोजिशन पर है, ठीक है, पांचवें स्थान पर है हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड जो कि प्रदान किया गया आपके 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल जिसे राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को आपके पंचायत अवार्ड की घोषणा हुई। हमारे इस छत्तीसगढ़ को कुल 12 अवार्ड मिले, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ को जो है कितने पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया, टोटल 12, ठीक है, 12 पंचायत पुरस्कार से जो है हमारे प्रदेश को नवाजा गया। देखिए कौन कौन से है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपके ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी अलग अलग पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका ई पंचायत अवार्ड जिसे आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से पंचायतों के डिजिटाइजेशन यानी कि डिजिटलाइजेशन से संबंधित है आपका यह अवार्ड, ई पंचायत अवार्ड। ई पंचायत अवार्ड के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की गई थी, उसमें जो है एक कैटेगरी में हमारे छत्तीसगढ़ को असम के साथ संयुक्त रूप से सेकेंड पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार प्रदान हुआ है हमारे इस छत्तीसगढ़ को, ठीक है। ये जो पंचायत पुरस्कार है ये है आपका 2020, वर्ष 2019 में भी जो है हमारे इस छत्तीसगढ़ को कुल 11 पुरस्कार प्रदान हुए थे, इस साल जो है आपके 12 पुरस्कार प्राप्त हुए वर्ष 2020 में, ठीक। तो ई पंचायत अवार्ड जो कि आईसीटी
ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपके छत्तीसगढ़ और असम को संयुक्त रूप से। सेकेंड कैटेगरी है आपका नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये ग्राम सभा के लिए है, ठीक, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जो कि प्राप्त हुआ है आपका गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत भोपालपट्टनम विकास खंड बीजापुर, बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकास खंड के गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका बाल हितैषी ग्राम पंचायत, बाल हितैषी ग्राम पंचायत या इसे ही आप जानते हैं बाल मित्र ग्राम पंचायत के नाम से, ठीक है, हर साल हम देखते हैं इसके इसे जो है करंट अफेयर में इसे हम मेंशन करते हैं, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार या राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार सम्मानित किया गया है इस साल नवागांव ग्राम पंचायत अभनपुर विकास खंड रायपुर, रायपुर जिले के अभनपुर विकास खंड के अंतर्गत आता है आपका नवागांव ग्राम पंचायत जिसे सम्मानित किया गया है इस वर्ष बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार या आपका राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार से। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है आपका बिहार आरंग रायपुर, रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत आता है आपका बिहार ग्राम पंचायत, ठीक। नेक्स्ट है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, देखिए इसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायत के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पुरस्कार प्रदान किया गया है, एक है जिला पंचायत जनपद पंचायत ग्राम पंचायत, जिला पंचायत श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपके कोंडागांव जिले को, ठीक है, जनपद पंचायत के अंतर्गत दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, एक गया है गरियाबंद को दूसरा गया है आपके तिलदा को, ठीक। अब ग्राम पंचायत को देखिए, ग्राम पंचायत में एक पुरस्कार गया है आपका सरगवा अंबिकापुर ब्लॉक या अंबिकापुर विकास खंड जो कि सरगुजा में है, दूसरा है रीरी ग्राम पंचायत जो कि आपके लुंड्रा ये भी आपके सरगुजा जिले में है, सेकंड नंबर पर है माहुद जो कि गुंडरदेही बालोद में है, उसके बाद है आपका महरा टोला जो कि सहसपुर लोहारा विकास खंड आपके कवर्धा जिले में है, और एक है आपका यही बिहार जो कि आपके आरंग विकास खंड रायपुर में है, ठीक। तो देखिए ये आपके ग्राम पंचायत जो है जिन्हें आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया। जिला पंचायत से प्रश्न पूछा जा सकता है किस जिला पंचायत को मिला है, कोंडागांव को। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार या राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, नवागांव अभनपुर रायपुर को, ठीक है, इसको याद रखना है। तो टोटल आपके 12 पुरस्कार प्राप्त हुए। देखिए 12 पुरस्कार कैसे, ये आपका ई पंचायत एक, दूसरा आपका ये ग्राम सभा पुरस्कार, तीसरा नवागांव, चौथा है बिहार, पांचवा है ये कोंडागांव, छठवा गरियाबंद, सातवा तिलदा, सरगवा आठ, रीरी नौ, माहूद दस, महरा टोला 11 और आपका बिहार 12। तो टोटल आपका 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आमा तिहार, आमा तिहार जो कि बस्तर अंचल में ये त्यौहार मनाया जाता है, ये इस त्यौहार को एक अन्य नाम से जाना जाता है आपका मरका, ठीक है, बस्तर अंचल में इस त्यौहार को एक अन्य नाम से जाना जाता है मरका के नाम से। ये त्यौहार कब मनाया जाता है, रामनवमी के आसपास बुधवार के दिन यह आपका आमा त्यौहार का आयोजन होता है। देखिए यहाँ पर इस बस्तर अंचल में अवधारणा है आम लगाओ अमर हो जाओ, यानी कि एक अपने जीवन काल में एक आम के वृक्ष को लगा दो और अमर हो जाओ, ठीक। देखिए इस त्यौहार की विशेषता क्या है, बस्तर अंचल में जब तक आमा तिहार नहीं मनाया जाता तब तक आम का उपभोग नहीं किया जाता, ठीक है, ऐसी मान्यता है कि आमा त्यौहार मनाने से आमा तिहार मनाए जाने से पहले अगर कोई भी जो है आम का उपभोग करेगा, आम को यूज करेगा, आम को खाएगा या अन्य किसी कार्य में उसका उपयोग करेगा, उससे जो है वन देवी नाराज हो जाती है या उस आम के उपभोग करने से या उस आम को खाने से जो है लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक। तो आमा तिहार के आयोजन के पश्चात ही आपका आम का उपभोग करने की परंपरा हमारे बस्तर अंचल में है। कब मनाया जाता है, रामनवमी के आसपास बुधवार के दिन। इसको ऐसे याद रखना है या तो ऐसे याद रख सकते हो कि चैत्र माह के समय, चैत्र माह में इस आमा त्यौहार का आयोजन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ईडी मिसास जयंती झिंगूर, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है, झिंगूर जिसका नाम है ईडी मिसास जयंती झिंगूर, ये है क्या समझिएगा, रायगढ़ के लेलुंगा क्षेत्र के अंतर्गत कुर्रा गुफा में एक झिंगूर की नई प्रजाति पाई गई है। ये जो झिंगूर है ये मुख्य रूप से श्रीलंका और आपके ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है, श्रीलंका और ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम है आपका आराक्नो मिसास,
अराकनोमिसास, जो कि श्रीलंका और ब्राजील के बाद हमारे इस भारत के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलुंगा क्षेत्र के कुर्रा गुफा में पाया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो नामकरण जो है, इसके खोज दल में लगे हुए हमारे इस छत्तीसगढ़ के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम था आपका जयंती विश्वास। जयंती विश्वास जो कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से संबंधित है, तो इन जयंती विश्वास के नाम पर ही इस आपके नए झिंगूर की प्रजाति का नाम रखा गया है। इंडिया में मिला है तो आपका इंडी, इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम है आपका अराकनोमिसास, तो उसका मिसास, इंडी मिसास, वैज्ञानिक का नाम जयंती झिंगूर, ठीक है। सेम देखिए इससे प्रश्न आया है, क्यों? क्योंकि जो कुटुमसर की गुफा है, बस्तर जिले में जो आपकी कुटुमसर की गुफा है, उस कुटुमसर की गुफा में एक अंधी मछली पाई जाती है और एक झिंगूर पाया जाता है, तो उस कुटुमसर की गुफा की खोज किसने की थी? आपके शंकर तिवारी ने की थी। तो उन्हीं के नाम पर उस कुटुमसर की गुफा में पाए जाने वाला जो झिंगूर है उसका नाम रखा गया था आपका केपियोला शंकरी झिंगूर, ठीक है। केपियोला शंकरी झिंगूर, उस झिंगूर का नाम रखा गया था और यह प्रश्न आया हुआ है, जब उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिमिसास जयंती झिंगूर जो कि रायगढ़ के कुर्रा गुफा में पाया गया है, इसका जो नाम है हमारे प्रदेश के ही एक वैज्ञानिक जिनका नाम है आपका जयंती विश्वास, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से प्रश्न पूछा जा सकता है, दीपक तिवारी विराट को कब संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया ये पूछ सकता है, कब पद्मश्री से नवाजा गया धर्मपाल सैनी को, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सबको देखते हुए चलिए, तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।